हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। मेरे पास यहाँ पे दो सेट कार्ड्स हैं, सेट वन सेट टू। अगर मुझे इसके पर स्टोन रखना है तो लेट्स पुट एक ब्लू स्टोन होगा डेक वन सेट वन पे, ग्रीन स्टोन होगा सेट टू पे। सो आपको जो भी सेट चूज़ करना है, आंसर जानने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी सेट चूज़ कर सकते हो, सेट वन ब्लू सेट टू ग्रीन। हम जानेंगे इस रीडिंग में कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और आप लोगों की बात होगी फ्यूचर में, क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन होगी इस रिलेशनशिप में, और फर्दर हम इसमें डिटेल अगर क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफायर भी यूज़ करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो आपकी सिचुएशन में आपके साथ रेजोनेट करता है, आप उस मैसेज को पिक करो और बाकी को छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स फ़िलहाल मैं इस चैनल पे ऑफर नहीं कर रही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरा इंग्लिश चैनल जो है उसके ऊपर आप अपनी रीडिंग परचेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, येस और नो, और विल दे कॉन्टैक्ट यू। तो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर वन से। मैं इस सेट को ऊपर पुश करूंगी ताकि हम कार्ड्स इधर स्प्रेड कर सकें। अच्छा, इस सेट ऑफ कार्ड्स में हमारे पास दो कार्ड्स जो हैं वो टैरो से हैं, और एक कार्ड जो है वो ओरेकल डेक से है, जिसमें हम गाइडेंस लेंगे थ्रू थ्रू यू नो एंजल्स ओरेकल, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर आपको वर्क करना होगा, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो, या ताकि आपको वो कांटेक्ट कर सकें, या अगर नहीं कर रहे तो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या है, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ वांड्स, पेयर ऑफ विद लवर्स। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो भी आपके माइंड में एक इंसान है, लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, जो भी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी उनसे बात नहीं हो रही, आप नहीं जानते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको नहीं पता कि आगे सिचुएशन कैसी होगी। मुझे लगता है कि जो भी जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, वो बहुत अभी इनडिसाइसिव हैं, उनको अभी डिसीजन नहीं ले चुकी, मतलब उन्होंने अभी अपना डिसीजन नहीं लिया आपके बारे में, और ना ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके उनके यू नो जो भी एनर्जीज हैं उनकी, अभी वो उनके अपने तक ही महदूद हैं, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं अभी, वो आपके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहे। तो अगर आप सोचो कि या आपको अभी कांटेक्ट करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि अभी एटलीस्ट इस टाइम फ्रेम के अंदर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट कोई कम्युनिकेशन आपको यहाँ से रिसीव नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ या जो भी सिचुएशन वो डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जब वो उस चीज़ से निकल आएंगे तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जब वो अपना एक कोई चीज़ है जिसमें वो अभी फंसे हुए हैं, या मतलब अभी वो उस चीज़ की वजह से बिजी हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि वो मतलब उनका पर्पस, उनका फोकस अभी फिलहाल कोई और चीज़ है। अभी फ़िलहाल इन एनर्जीज़ के साथ मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई और इंसान भी हो सकता है, लाइक हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। मुझे अभी फ़िलहाल इन सिचुएशन इन कार्ड्स के साथ तो नहीं लग रहा। हम क्लैरिफायर लेंगे जस्ट टू नो कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान या कोई और मतलब रिलेशनशिप है जिसकी वजह से उनको टाइम लग रहा है, या ये कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद काम हो, शायद कुछ और चीज़ें हो, तो वो हम अभी जानेंगे क्लैरिफायर के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही वो इस चीज़ में से निकलेंगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो भी इनका चल रहा है किसी सिचुएशन के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ, वो जैसे ही उस चीज़ में से निकलेंगे तब वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करें या नहीं। और अभी एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो क्लैरिफायर लेते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ इट जो उनको बिजी रख रहा है, क्या चीज़ है जो उनकी लाइफ में चल रही है, क्या ये एक और लड़का या एक और लड़की है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं अभी, या फिर कुछ और सिचुएशन है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो उनको अभी आपके बारे में सोचने से रोक रही हैं। लेट्स फाइंड आउट।
मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये फाइनेंशियल सिचुएशन है जो वो डील कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर जिसकी वजह से वो अभी आपको, अभी आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। लेकिन चीज़ें जल्द चेंज हो जाएंगी, एज सून एज वो इस स्ट्रगल में से निकल आएंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। क्योंकि उसके बाद जब वो इस चीज़ में से निकल आएंगे जो भी उनको बिजी रख रहा है, तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो वो आपको मिस करेंगे, और तो वो सोचेंगे कि क्या मुझे इसको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं एक और क्लैरिफायर लवर्स के लिए। सिचुएशन तो काफ़ी हद तक मुझे ये लग रहा है कि उसकी लाइफ में जिसके बारे में आप जान रहे हो, जानना चाह रहे हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क और वर्ल्डली अफेयर्स कह सकते हैं, उसकी वजह से एक सिचुएशन उनकी लाइफ में है जो कि वो डील कर रहे हैं। जैसे ही वो उस चीज़ में से निकलेंगे तब वो आपके बारे में सोचेंगे। अभी काफ़ी हद तक वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, बहुत बिजी है बाकी चीज़ों में। लेट्स फाइंड आउट मोर। अभी ये बंदा या बंदी अभी इसके बारे में सोचना है, अभी उसकी लव लाइफ उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसीलिए अभी अगर आप सोचते हो कि पता नहीं वो मुझे मिस कर रहा है, मिस कर रही है, नहीं कर रहा, बिकॉज़ उसकी लाइफ में प्रायोरिटी आप या उसकी लव लाइफ नहीं है। और वैसे भी ये आपके बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है। मतलब जैसे अगर मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा, तो इट डजेंट मीन कि मैं उस बंदे या बंदी को पसंद नहीं करती। इट्स जस्ट बिकॉज मैं इस माइंड स्टेट में नहीं हूँ या मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मुझे किसी और से भी बात करनी है। तो सेम सिचुएशन है इस इंसान की भी, कि ये अभी लव लाइफ को लेके सोचना ही नहीं चाह रहा है या सोचना ही नहीं चाह रही। आपको ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इट्स नॉट अबाउट यू। ये नहीं है कि वो आपसे उसका प्यार ख़त्म हो गया है या अटैचमेंट ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जब किसी सिचुएशन में आप फंसे होते हो, तो आपके लिए उस सिचुएशन से निकलना शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। और वही सिचुएशन है या उसी तरह की कुछ सिचुएशन है जो वो इंसान डील कर रहा है। तो इसलिए जैसे ही वो इन चीज़ों में से निकलेगा, और इट्स मोर लाइक कि वो खुद को रोक रहा है अभी इन चीज़ों से, लव लाइफ से या लव लाइफ को प्रायोरिटी देने से। एक बंदा अपने आप को दूर रख रहा है इस तरह की चीज़ों से, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि अभी जल्द, मतलब इन नियर फ्यूचर, ये ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये आपसे आपको कॉन्टैक्ट करेगा या करेगी। लेकिन कम्युनिकेशन आप दोनों की होगी, लेकिन जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, ये कब होती है, कितने टाइम बाद होती है, वो हर इंसान का डिफरेंट होगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड क्या कहता है। रिसीव, बी ओपन टू रिसीविंग अ गुडनेस, बिलीव यू आर वर्दी ऑफ अबांडेंस, अ गिफ्ट इज़ कमिंग टू यू सून। अच्छा, आप बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हो इसका मैसेज, इसकी तरफ से कोई कांटेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपको बिलीव करना होगा कि एक फर्म बिलीव होता है कि हाँ, मतलब ये बंदा मुझे ही को प्यार करता है या ये बंदी मुझे ही को प्यार करती है और मुझे कांटेक्ट करेगा। अगर आप इस बिलीव के साथ आगे चलते हो, तो आपको ये मैसेज रिसीव होगा, आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव होगी। लेकिन अगर आप खुद थोड़ा इनडिसाइसिव हो इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड कभी कभी सोचते हो कि काश मैं, मतलब मुझे पता चले कि बात करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी, ताकि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिकेशन आएगी। क्योंकि आप एक तरफ आप चाहते हो कि काश ये आ जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इतना टाइम लग रहा है, तो मे बी मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं आएगी। अगर आप इस रिलेशनशिप में बिलीव रखते हो, इस अपने अपने प्यार में या आपकी फीलिंग्स जो इस इंसान को लेकर हैं, अगर आप उसमें बिलीव रखते हो, तो आप रिसीविंग एंड पे होगी कम्युनिकेशन के। सो ये था आपका पिकअ कार्ड इस हवाले से कि आपको वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट की हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपकी सिचुएशन में कैसे रेजोनेट हुई। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द पीपल जिन्होंने चूज़ किया है सेट नंबर टू, ग्रीन वाला। देखते हैं कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको मेंशन कर दूं कि इसमें ये दो कार्ड जो हैं टैरो के, ये हमें आंसर देंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। और इस कार्ड से हमें ओरेकल गाइडेंस मिलेगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है जिससे आप इस सिचुएशन को डील कर सको, कि वो कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या चीज़ें हैं जो शायद आप गलत कर रहे हो, वो हम इस कार्ड से गाइडेंस लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ।
पेयर अप विद सिक्स ऑफ वॉन्स। यस, कम्युनिकेशन होगी, बात होगी आप दोनों के दरमियान में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी ये सेट चूज़ किया, अगर आपकी उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, आपकी बात नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी ये बंदा या बंदी है, इसमें ईगो थोड़ा इशू है। इवन अगर वो चाह भी रहा होगा आपसे बात करने, चाह भी रही होगी कि आपसे बात करे, लेकिन शायद उसको ईगो कहीं ना कहीं उसकी रोकेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप रीच आउट करते हो उसको, तो क्योंकि उसको चाहिए कि बात हो, उसको चाहिए कि वो आप दोनों एक दूसरे से मतलब रिकनसाइल करो, पैचअप करो, तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज़ के बारे में आपको प्रिपेयर्ड हो के करना पड़ेगा, अगर आप रीच आउट भी करते हो तो आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप रीच आउट करते हो या कॉन्टैक्ट करते हो तो आप लोग इनिशियली ही बहुत ज़्यादा मतलब एक पैचअप हो जाएगा या बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कॉन्टैक्ट करते भी हो तो आपको थोड़ा अपने आप को बाउंड्रीज में रख के कम्युनिकेशन करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब कांटेक्ट करो और वो मतलब पागल हो जाए कि वो अच्छा इसने मुझे मैसेज कर दिया, तो लाइक एक फुल ऑन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही, लेकिन अगर आप कांटेक्ट करोगे तो मतलब रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिलेगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कॉन्टैक्ट आपके एंड से पहले स्टार्ट होगा। क्लैरिफाई लेते हैं, लेकिन मुझे आई डू सी कि आप लोगों की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी फ्यूचर में। और अच्छा, क्लैरिफाई के लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। लेट्स सी। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रांग रह के चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मुझे लग रहा है जिसके साथ भी आप डील करें उसको ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स के बहुत ज़्यादा, जैसे उसको उसको चाहिए कि उसका अपर हैंड रहे रिलेशनशिप में। तो अगर अगर वो आपको कांटेक्ट करेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा उसके लिए, वो अपर हैंड रहना या अपर मतलब उसमें एक डोमिनेशन में रहना एक रिलेशनशिप में। तो अगर आप रीच आउट करोगे तो आप यू विल बी हैप्पी कि आपने उसे कांटेक्ट किया और आप लोगों की बात शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टिल देखते हैं क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। अच्छा, जो भी ये शख्स है जिसके बारे में भी आपने पूछा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है कि आप उसको कांटेक्ट करो, या अगर आप काफ़ी टाइम से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या सोच रही हो, तो आपको चाहिए कि आप पास्ट को भुलाकर फिर आप इसे कांटेक्ट करो और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। अगर आप इस इंसान का वेट करते हो तो आप वेट करते रह जाओगे और ये पॉसिबल नहीं होगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि ईगो इश्यूज़ हैं। और अगर आप कांटेक्ट नहीं करते तो आपको शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, जो कि आपके लिए थोड़ा आपके लिए ट्रबलसम लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों ने भी ये सेट चूज़ किया, आप उसको प्यार करते हो, इंटरेस्टेड हो उसमें, आप चाहते हो कि वो बात करे आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मतलब हो सकता है कि ईगो आपके अंदर भी हो, आप भी यही चाह रहे हो कि वो रीच आउट करे, मैं क्यों करूं। तो अगेन, ईगो को अभी फ़िलहाल मतलब वही बात आती है, अगर आप प्यार करते हो तो ईगो नहीं होती उसमें। अगर आप मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल छोड़ के अगले के पीछे आप पागल हो जाओ, लेकिन स्टिल मतलब अगर आपको आपका दिल कर रहा है, आपको एक फीलिंग आ रही है कि नहीं शायद मुझे उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, शायद यही मेरा सोलमेट है, तो आप वो स्टेप लो, टेक एक्शन। लेकिन अगर आप ईगो में रह के कि उसने क्यों नहीं किया मैं भी नहीं करूँगी, या मैं उसने क्यों नहीं किया मैं भी नहीं करूँगा, तो ये सिचुएशन आप लोगों के लिए इस तरह से आगे बेहतर होती हुई दिखेगी नहीं मुझे। तो बेसिकली बेस्ट ये रहेगा कि आप रीच आउट करो और इंतज़ार नहीं करो, क्योंकि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन आप दोनों के लिए बेहतर होगी, या आप दोनों मतलब आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते रह जाओगे। ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, तो वन हैज़ टू टेक द स्टेप, किसी एक को स्टेप लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेना पड़ेगा स्टेप टुवर्ड्स दैट पर्सन। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या कहता है। एक्शन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड।
कि आप में से किसी एक को एक्शन लेना पड़ेगा उसके उसकी तरफ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्शन आपको लेना पड़ेगा। नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्ट, टेक इंस्पायर एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। अगर आप उसकी तरफ चलते भी हो, अगर आप मैसेज भी करते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलना होगा, ये सोचते हुए कि आप मैसेज करोगे और वो बहुत खुश होगा या खुश होगी। और एक और चीज़, जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी फिर बात बीच में रह गई, कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही होगी कि यूनिवर्स आपको दोनों को एक दूसरे के पास लाना चाह रही है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप या तो उसका नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, या आपको उसके ख्वाब आ रहे होंगे, या फिर आप जैसे टीवी ऑन किया और सेम नाम का बंदा बार बार शो हो रहा है, या अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको मे भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिससे आप हमेशा बार बार उसका सोचते हो। तो अगेन यूनिवर्स आपको कोशिश कर रही है कि आप एक दूसरे की तरफ वापस आओ। तो अगेन आपको वो, अगर आप ये मैसेजेस रिसीव कर रहे हो तो बहुत बेस्ट टाइम है आप दोनों के लिए इस टाइम पे रीच आउट करने का एक दूसरे को। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी, मतलब अभी आप लोगों का, अगर आप वेट करते रहोगे तो वो चीज़ें आगे मूव नहीं होंगी, आप वेटिंग पे ही रहोगे फिलहाल। तो एक्शन अगर आप ले रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, अगर आप वेटिंग साइड पे हो तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन होगी, नॉट एटलीस्ट एनी टाइम सून, मतलब जल्द नहीं होगी एटलीस्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपके साथ मैच की हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं इस चैनल पे पर्सनल रीडिंग तो ऑफर नहीं कर रही, अगर आपको दूसरे चैनल पे अगर आप लेना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।